आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए हमें जो भी गिवन रोस्टर फॉर्म का सेट है उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एक ऐसा रूल बता देते हैं, मीन्स ऐसे तरह से डिफाइन करते हैं एक रूल सेट के अंदर कि हमें जो ये रोस्टर फॉर्म के सारे एलिमेंट्स उस तरह से मिल जाए। जैसे देखिए हमारा ए अगर सेट है जिसमें जीरो एक एलिमेंट है बस, तो देखिए हमें ऐसा कुछ रूल बताना होगा कि उस रूल से हमें बस जीरो आए। तो देखिए अगर हम इधर लिखें, तो देखिए अगर लिखेंगे कि ए इज इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं देखिए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। इस तरह से अगर हम लिखें एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, तो देखिए इधर हमेशा क्या आएगा, मुझे एक जीरो ही वैल्यू मिलेगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली देखिए बी इधर दिया है, तो देखिए बी क्या है कि माइनस वन और वन होना चाहिए, तो देखिए बी सेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब देखिए हमेशा जब हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन करेंगे तो देखिए इसके रूट्स क्या मिलेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो देखिए यह हमारे बी सेट के एलिमेंट्स पूरे इस रूल के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें हर एक के लिए डिफरेंट रूल्स बनाना होगा। तो देखिए यहाँ लिख देंगे जैसे 1, 3, 5, 7, 9 है, ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2k-1। और यहाँ देखिए k इज इक्वल्स टू, हमें देखिए क्या क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए k की वैल्यू 1 ले लूँगा तो मुझे 1 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 ले लूँगा तो मुझे 3 आ जाएगा, k की वैल्यू 3 ले लूँगा तो मुझे 5 आ जाएगा, k की वैल्यू 4 ले लूँगा तो मुझे 7 आ जाएगा, k की वैल्यू 5 ले लूँगा तो मुझे 9 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पे d सेट को डिफाइन करेंगे तो d के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2, 4, 6, 8। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2k एंड k इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। तो देखिए यहाँ भी x इज इक्वल्स टू 2k और k की वैल्यू 1 डालेंगे तो देखिए x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, k की वैल्यू 2 डालेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 6 आएगा, 4 डालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, सिमिलरली e वाले सेट को देखिए, यहाँ पे क्या है 1, 5, 10, 15 इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5k और k की वैल्यू देखिए k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं हम, और m मैं बोलूँगा कि एंड x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि देखिए 1 जो है एक ही अलग ऐसा टर्म है जो इसका रूल फॉलो नहीं कर रहा था, बाकी सारे देखिए 5 के मल्टीपल्स है हमारे पास। तो देखिए हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल्स टू 5k, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो देखिए इससे हमें आगे का ये पूरा आगे का पार्ट मिल जाएगा 5, 10, 15 से लेके इन्फिनाइट तक, और एक एलिमेंट 1 भी है तो इसलिए हमने एंड x इज इक्वल्स टू 1 भी डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली देखिए एफ वाला सेट, इसके अंदर क्या है कि देखिए 12, 18, 24, 96, यानी देखिए सब में 6 के मल्टीपल्स है कुछ कुछ इसमें। तो देखिए मैं लिखूंगा कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू 6k और k की वैल्यू देखिए कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखिए k की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है और 6 इंटू अगर हम 16 करेंगे तो 96 आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 16, ये आ जाएगा, एंड k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए ये रूल अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो देखिए हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे इसके सेट के। और आगे देखिए आगे कैसे करेंगे, आगे देखिए हमारे पास क्या है b सेट में क्या क्या देखें 6, 9, 12। तो देखिए इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो सेट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए समझ लेते हैं, देखिए f है तो ये g आ गया, तो g सेट क्या है देखिए x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3k, क्योंकि देखिए 3 के डिफरेंस में, और देखिए k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, k की वैल्यू 2 से लेके 4 के बीच में होगी और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए k की वैल्यू जब 2 होगी तब यहाँ पे 3 × 2, 6 आ जाएगा, k की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 × 3, 9 आ जाएगा, k की वैल्यू 4 होगी तो 3 × 4, 12 आ जाएगा। सिमिलरली देखिए इस वाले टर्म को लिखना है, तो देखिए g है, h ले लेंगे, h सेट क्या है 2, 4, 8, 16, 32, तो देखिए हमें दिख रहा है कि 2 की पावर्स है ये सब,
तो हम लिखेंगे कि x such that x is equals to 2 की पावर k एंड k is equals to 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि देखिए 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा एंड 2 की पावर 3 लेंगे तो 8, 2 की पावर 4 लेंगे तो 16, 2 की पावर 5 लेंगे तो 32। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 5 की पावर्स है, तो देखिए h है तो ये i सेट मान लेता हूँ मैं, i such that x is equals to x such that x is equals to 5 to the power k एंड वैल्यूज देखिए 1, 2, 3, 4 आ जाएगी, तो k की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, 2, 4, 6 ऐसे सब एलिमेंट्स हैं, तो देखिए इधर i j मान लेता हूँ उसको, और देखिए लिखेंगे x is equals to x such that x is equals to 2k एंड k belongs to natural numbers, तो सारे देखिए नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते, तो ये देखिए सेट सीरीज जो है 2, 4, 6, 8 ऐसे कंटिन्यू होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1, 4, 9 से लेके 100, तो देखिए ये सारे स्क्वायर्स हैं, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए के सेट से मान लेते हैं या के के रहने देते हैं, इसको हम एक्स सेट मान लेते हैं या छोड़िए पी मान लेते हैं। पी क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू के स्क्वायर एंड k की वैल्यू देखिए 1 से 10 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि देखिए 1 से 10 के बीच के स्क्वायर जो सारे 1, 4, 9 एंड अप टू 100, तो देखिए ये वाला रूल जो है सब उस सारे उसके सारे टर्म्स से देगा हमें। तो देखिए इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को लिख सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।